दोस्तों, स्वागत है आपका IPL 2020 के ऑक्शन से जुड़ी एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, IPL 2020 के ऑक्शन से पहले हम तरह तरह की टॉपिक्स पर बातचीत कर रहे हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से खिलाड़ियों को कौन कौन सी टीम जो है वो कर सकती है रिलीज, कौन कौन से खिलाड़ियों को खरीद सकती है, किस तरह की स्ट्रेटेजी जो है वो होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 कन्फर्म नामों की जो कि रिलीज होने वाले हैं IPL 2020 के ऑक्शन से पहले, जो कि कंफर्म है बिल्कुल कि हमें ऑक्शन में नजर आएंगे और इनकी टीमें जो हैं इनको निकालने वाली हैं। कौन से हैं दोस्तों वो 8 खिलाड़ी, बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप भी हैं IPL के फैन, कर रहे हैं IPL 2020 का इंतजार, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आपकी फेवरेट टीम कौन सी IPL की, आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं नंबर 8 की। तो लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं टीम सऊदी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के। बिल्कुल कंफर्म है कि RCB की टीम सऊदी को जो है वो करने वाली है रिलीज, जहां पर 1 करोड़ रुपए की इनकी प्राइस है। लास्ट सीजन 3 मैचेस इन्होंने खेले, 1 विकेट सिर्फ निकाला और जो इकोनॉमी थी वो थी 13 KB/h की। ऐसे में बिल्कुल कंफर्म है कि टीम सऊदी को जो है रिलीज करने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। बात करें दोस्तों नंबर 7 की, तो लिस्ट में नंबर 7 पर है यूसुफ पठान सनराइजर्स हैदराबाद के। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी यूसुफ पठान को कंफर्म से रिलीज करने वाली है। 1.9 करोड़ रुपए की इनकी प्राइस थी और यहां पर लास्ट सीजन 10 मैचों में सिर्फ 40 रन इन्होंने बनाए थे, तो बहुत ही बेकार सीजन गया था यूसुफ पठान का। और ऐसे में बिल्कुल कंफर्म है कि यूसुफ पठान जो है वो होने वाले हैं रिलीज। बात करें दोस्तों 6ठे प्लेयर की, तो लिस्ट में 6ठे प्लेयर हैं यहां पर करुण नायर फ्रॉम किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने 5.6 करोड़ रुपए में करुण नायर को खरीदा था, लेकिन लास्ट सीजन की अगर बात करें तो सिर्फ 1 मैच इन्होंने खिलाया, जबकि इनकी प्राइस इतनी हाई थी, इनको मौके भी जो है वो नहीं दिए किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने। ऐसे में बिल्कुल कंफर्म है कि किंग्स इलेवन पंजाब जो है करुण नायर को करने वाली है रिलीज। बात करें दोस्तों नंबर 5 की, तो लिस्ट में नंबर 5 पर है दिल्ली कैपिटल्स के कॉलिन इंग्राम जिन्हें लास्ट सीजन 6.4 करोड़ रुपए की बड़ी रकम देकर के दिल्ली कैपिटल्स की टीम लेकर आई थी, लेकिन पूरा सीजन जो है इनका काफी बेकार रहा, स्पिनर के खिलाफ बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आए। ऐसे में बिल्कुल कंफर्म है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम इन्हें बाहर करने वाली है और इनका रिप्लेसमेंट जो है वो ढूंढने वाली IPL 2020 के ऑक्शन में। बात करें दोस्तों नंबर 4 की, तो लिस्ट में नंबर 4 पर है मुंबई इंडियंस के बृंदर सरन भी कंफर्म रिलीज होने वाले हैं, मुंबई इंडियंस की टीम इन्हें बाहर करने वाली है, जहां पर इनकी प्राइस है 3.4 करोड़ रुपीस। लास्ट सीजन 2 मैचेस खेले, 13 की भी ज्यादा से इकोनॉमी से इन्होंने रन दिए, इसके बाद मुंबई इंडियंस ने इन्हें प्लेइंग 11 में भी मौका नहीं दिया और मुंबई इंडियंस की टीम इन्हें बाहर करेगी और इनका रिप्लेसमेंट जो है वो ढूंढेगी IPL 2020 के ऑक्शन में। अब दोस्तों बात करें नंबर 3 की, तो लिस्ट में नंबर 3 पर हैं राजस्थान रॉयल्स के जयदेव ओनादकट, जिनको 8.4 करोड़ रुपए में लास्ट सीजन लेकर आई थी राजस्थान रॉयल्स की टीम। इससे पहले IPL 2018 में 11.5 करोड़ रुपीस दिए थे राजस्थान रॉयल्स की ही टीम ने। दोनों सीजन इन्होंने काफी निराश किया है राजस्थान रॉयल्स की टीम को और ऐसे में इस साल RR की जो टीम है इन्हें करने वाली है रिलीज। बात करें दोस्तों नंबर 2 की, तो लिस्ट में नंबर 2 पर हैं चेन्नई सुपर किंग के मुरली विजय भी कंफर्म रिलीज होने वाले हैं। 2 करोड़ रुपए इनकी प्राइस है। यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग ने साफ किया था कि कई सारे ओल्ड प्लेयर जो हैं उनको बाहर करेगी चेन्नई सुपर किंग की टीम। ऐसे में सबसे पहला नाम आएगा मुरली विजय का, जो कि लास्ट 2 सीजन में सिर्फ 3 मैचेस जो हैं वो खेल पाए हैं चेन्नई सुपर किंग के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 1 प्लेयर की, तो लिस्ट में नंबर 1 पर है रॉबिन उथप्पा, जो कि कंफर्म रिलीज होने वाले हैं। KKR की जो टीम है इन्हें करने वाली है रिलीज, जहां पर इनकी प्राइस है 6.4 करोड़ रुपए और बिल्कुल भी जस्टिफाई इन्होंने लास्ट सीजन अपने प्राइस को नहीं किया, बहुत ही ज्यादा धीमा खेले, कई मैचेस KKR की टीम जो है वो मुसीबत में पड़ी रॉबिन उथप्पा की इनिंग के कारण। ऐसे में रॉबिन उथप्पा को KKR की जो टीम है वो करने वाली है बाहर। तो दोस्तों ये है वो 8 खिलाड़ी जो कि होने वाले हैं रिलीज, कंफर्म रिलीज IPL 2020 के ऑक्शन से पहले। अब आपको क्या लगता है इनमें से क्या ऐसा कोई खिलाड़ी है जो कि रिलीज नहीं होगा, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।